आज की ये कहानी एक सच्ची कहानी है और ये कहानी है एक इटालियन अमेरिकन बॉक्सर की जिसका नाम था जैक लमोटा। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रेजिंग बुल। ये कहानी शुरू होती है सन 1964 से और इस वक्त में ये दिखाया जाता है कि जैक लमोटा कुछ कॉमेडी लाइंस याद कर रहा है जैसे उसे कहीं परफॉर्म करना है और ये लाइंस मशहूर राइटर शेक्सपियर की एक किताब की होती है। वो सिगार पीता है और सिगार पीते पीते वो अतीत की यादों में खो जाता है और कहानी सन 1964 से 1941 में आ जाती है जहां पर ये दिखाया जाता है कि लमोटा का बॉक्सिंग मैच चल रहा है और उसका बॉक्सिंग मैच होता है जिमी से। इन दोनों के बीच में फाइट होती है जिसमें जिमी लमोटा को कई पंचेस मारता है जिस वजह से लमोटा अब जिमी से पॉइंट्स के मामले में बहुत पीछे है और अब बॉक्सिंग का आखिरी राउंड शुरू होता है और राउंड शुरू होते ही जैक लमोटा जिमी को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है लेकिन जिमी खड़ा हो जाता है। जैक लमोटा एक बार फिर से उस पर प्रहार करता है और एक बार और उसे जमीन पर गिरा देता है। जिमी जानता है कि वो पॉइंट से आगे है इसीलिए वो खड़ा होता है लेकिन अब जैक उस पर पंचेस की बौछार कर देता है और उसे एक बार फिर तीसरी बार जमीन पर गिरा देता है और अब काउंटिंग शुरू होती है और ये राउंड भी खत्म होने वाला है। ये आखिरी राउंड है और जैसे 9 काउंट्स होते हैं घंटी बज जाती यानी कि टाइम हो गया और पॉइंट से ये बताया जाता है कि जैक लमोटा इस मैच को हार गया है। हालांकि उसने जिमी को अधमरा कर दिया लेकिन 10 पॉइंट्स होने से पहले ही घंटी बज जाती है। यहां पर जितने भी दर्शक होते हैं वो सब के सब जैक को सपोर्ट करते हैं और जैक भी जानता है कि वो ये मैच जीत चुका है लेकिन रूल्स के हिसाब से वो इस मैच को हार चुका है। जैक रिंग में बहुत ही अग्रेसिव होता है, न सिर्फ रिंग में बल्कि वो अपनी आम जिंदगी में ऐसा ही होता है। जब वो घर जाता है तो वहां पर ये दिखाते हैं कि उसकी अपनी वाइफ से बहुत लड़ाई होती है और लड़ाई का रीजन सिर्फ इतना होता है कि जैक खाना जल्दी मांग रहा होता है जबकि उसकी वाइफ कहती है कि अभी इसे पकने में टाइम लगेगा। इस बात पर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और तभी वहां पर जैक का भाई आता है। जैक अपने भाई को बताता है कि मेरे हाथ छोटे हैं, ये लड़कियों की तरह हैं, इसीलिए मैं कभी भी जो लुईस जैसे बड़े बॉक्सर के साथ फाइट नहीं कर सकता। उसका भाई कहता है कि उसके साथ फाइट करने का कोई लॉजिक भी नहीं है क्योंकि तुम एक मिडल वेट बॉक्सर हो और वो एक हैवी वेट बॉक्सर है। जैक कहता है कि सब जानते हैं कि मैं उससे बेहतरीन बॉक्सर हूं लेकिन मुझे कभी भी उसके साथ फाइट खेलने का मौका नहीं मिलेगा और इस बात से जैक परेशान होता है। जैक अपने भाई से बोलता है कि मेरे मुंह पर पंच मारो। उसका भाई उसके मुंह पर पंच नहीं मारना चाहता लेकिन वो उसे उकसाता है और इसके बाद उसका भाई कई पंचेस उसके मुंह पर मारता है। दरअसल ये उसके जीवन का फ्रस्ट्रेशन होता है। अगले दिन जैक अपने भाई के साथ पूल पर बैठा होता है और वहां पर वो एक लड़की को देखता है। जैक अपने भाई से पूछता है इस लड़की का नाम क्या है। उसका भाई बताता है कि इसका नाम विकी है। दरअसल जैक को ये लड़की पसंद आ जाती है। उसका भाई उसे बोलता है कि ये तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं है और वैसे भी तुम शादीशुदा हो और ये लड़की मात्र 15 साल की है। जैक अपने भाई से पूछता है क्या तुमने इसके साथ कुछ किया है। वो कहता है नहीं मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, हाँ एक दो बार इसके साथ घूमने जरूर गया हूँ। और अगले दिन ये दिखाया जाता है जैक और उसका भाई एक पार्टी में जाते हैं जहां पर विकी भी होती है और जब जैक विकी से बात करने के लिए जाता है तो वहां पर झगड़ा हो जाता है इसीलिए वो उससे बात नहीं कर पाता। लेकिन अगले दिन जैक का भाई जैक को विकी से मिलवाने के लिए पूल पर ले जाता है। जैक और विकी पहली बार मिलते हैं। विकी जैक की गाड़ी को देखकर कहती है नाइस कार। जैक कहता है क्या तुम मेरे साथ ड्राइव पर चलोगी। विकी कहती है ठीक है और ये दोनों ड्राइव पर जाते हैं। ड्राइव के बाद ये दोनों पोलो खेलते हैं और पोलो खेलने के बाद जैक विकी को अपने डैड के घर पर ले जाता है जहां पर पहली बार ये दोनों किस करते हैं यानी कि अब ये दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हैं। हालांकि जैक पहले से शादीशुदा है। अब वक्त दिखाया जाता है सन 1943 का जहां पर जैक की एक बॉक्सिंग फाइट चल रही है और जैक की ये फाइट होती है शुगर रे रॉबिन्सन के साथ। यहां पर जैक रॉबिन्सन को बहुत बुरी तरह से मारता है और 10 राउंड्स के बाद ये फैसला सुनाया जाता है कि ये मैच जैक जीत चुका है। इस बात से रॉबिन्सन को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि ये उसकी जिंदगी की पहली प्रोफेशनल फाइट होती है जो वो हारा होता है। फाइट के बाद ये दिखाया जाता है कि जैक विकी के पास जाता है। इनके रिश्ते को आज पूरे 2 साल हो चुके हैं और ये दोनों आज भी एक साथ हैं। इनका रिलेशनशिप अब बहुत सीरियस है। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं लेकिन जैक इससे आगे नहीं बढ़ना चाहता क्योंकि 3 हफ्ते बाद उसका रॉबिन्सन के साथ एक बार फिर से मैच है और वो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहता। और इससे ये पता चलता है कि जैक अपने करियर के लिए, अपने खेल के लिए, बॉक्सिंग के लिए कितना सीरियस है। वो किसी भी
चीज से कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, लेकिन बॉक्सिंग से वो किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। 3 हफ्ते बाद उसका और रॉबिन्सन का मैच होता है, जहां पर जेक रॉबिन्सन को कई पंचेस मारता है। वो उस पर पूरे मैच में हावी रहता है, यहां तक कि वो उसे 7th राउंड में जमीन पर भी गिरा देता है। और ये उसके करियर में दूसरी बार ऐसा हुआ होता है जब वो जमीन पर गिरा होता है, लेकिन वो 10 काउंट से पहले उठ जाता है। और 10 राउंड खत्म होने के बाद जजेस ये फैसला सुनाते हैं कि इस मैच को शुगर रे रॉबिन्सन ने पॉइंट्स के साथ जीत लिया। इस बात से जेक के भाई जॉय को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि रॉबिन्सन अगले हफ्ते आर्मी में जा रहा है, इसीलिए जजेस ने उसके फेवर में ये फैसला सुनाया है। उन सब ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। जेक कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलत काम किए, शायद वही मेरे सामने आ रहे हैं। उसका भाई कहता है कि ये सब बकवास है, उन्होंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, ये फाइट तुम्हारी थी। और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और वक्त आता है सन 1945 का, और जेक और विकी शादी कर लेते हैं। शादी के बाद इनकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत होती है, जहां पर ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। अब जेक के बच्चे भी हो चुके हैं और साथ ही साथ वो बॉक्सिंग के कई मैचेस जीत चुका है। वो लगभग हर एक बॉक्सर को हरा चुका है और अधिकतर बॉक्सर उसके साथ फाइट करना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो उससे डरते हैं। जेक बहुत ही अग्रेसिव है, न सिर्फ रिंग में बल्कि अपनी जिंदगी में भी। जेक का भाई उसके पास आता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारी फाइट जिनेरियो से रखी है, लेकिन जेक जिनेरियो से लड़ना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग बॉक्सर नहीं है। और साथ ही साथ अगर उसे जिनेरियो से लड़ना है तो उसे अपना वेट कम करना होगा। इस वक्त उसका वेट होता है 168 पाउंड्स और जिनेरियो के साथ फाइट करने के लिए उसे 155 पाउंड्स का होना होगा। उसका भाई उसे बोलता है कि अगर तुम्हें टाइटल बेल्ट जीतना है तो तुम्हें इस फाइट को करना चाहिए, क्योंकि इस फाइट के बाद कोई भी ऐसा बॉक्सर नहीं बचेगा जिसके साथ तुमने फाइट ना की हो, और तब उन्हें तुम्हें टाइटल के लिए मौका देना होगा। जेक की वाइफ कहती है कि तुम्हारा भाई सही कह रहा है, जिनेरियो एक यंग बॉक्सर है, वो पॉपुलर है और बहुत गुड लुकिंग भी है, तुम्हें उसके साथ फाइट करनी चाहिए। जेक को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि उसकी वाइफ विकी ने जिनेरियो बॉक्सर को गुड लुकिंग कहा। वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है और साथ ही साथ अपने भाई को कहता है कि जब मैं प्रैक्टिस के लिए जाऊंगा, जब मैं अपना वेट लूज करने के लिए जाऊंगा, तो तुम्हें मेरी बीवी पर नजर रखनी होगी। मुझे शक है क्योंकि उसने जिनेरियो को गुड लुकिंग कहा है, तो हो सकता है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हो। ये वो पल होता है जब जेक के दिमाग में अपनी पत्नी विकी के प्रति शक पैदा हो जाता है। जेक का भाई जॉय से बोलता है कि तुम्हें विकी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, अंदर जाओ, उसे मनाओ और उसे कहो कि मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा और हम सब के सब बाहर जाएंगे। जेक ऐसा ही करता है और इसके बाद जेक, उसकी वाइफ विकी, जेक का भाई और जेक के भाई की वाइफ, ये सब के सब बाहर एक क्लब में जाते हैं। इस क्लब में टॉमी और उसकी गैंग भी बैठी होती है। टॉमी एक मॉब कंट्रोलर है, यानी कि वो बॉक्सिंग को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। बॉक्सिंग की जूरी में जितने भी लोग हैं सब उसके अंडर हैं। और टॉमी हमेशा से ये चाहता था कि जेक उसके साथ मिल जाए। उसने कई बार कोशिश भी की लेकिन जेक ने हमेशा मना कर दिया। यहाँ पर टॉमी का साथी सेल्वी भी होता है, और सेल्वी जेक की वाइफ विकी को पहले से जानता है, वो उसका पुराना दोस्त है। वो विकी को अपनी टेबल पर इनवाइट करता है, विकी उसकी टेबल पर जाती है, वो टॉमी से मिलती है और बाकी लोगों से मिलती है, क्योंकि विकी सभी को पहले से जानती है। और जब जेक दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है तो उसके दिल में जेलेसी और भी बढ़ जाती है। उसके दिलो दिमाग में अपनी पत्नी के लिए शक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा होता है। इसके बाद टॉमी जेक को अपने पास बुलाता है। टॉमी जानता है कि जेक एक बहुत ही खतरनाक बॉक्सर है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी अगली फाइट जिनेरियो के साथ है, तुम्हें क्या लगता है? जेक कहता है कि मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका भर्ता बना दूंगा, क्योंकि जेक को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। अब उसी रात को जब जेक और उसकी वाइफ घर पर जाते हैं, उसकी वाइफ सो रही होती है और वो उसके पास जाता है। वो उससे पूछता है, जब तुम और मैं प्यार करते हैं क्या तुम किसी और के बारे में सोचती हो? उसकी वाइफ विकी कहती, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो कहता है कि तुमने कहा कि जिनेरियो गुड लुकिंग है, उसके पास क्यूट फेस है, तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हारे मन में बात कब आई? विकी कहती है, मैंने जिनेरियो का चेहरा कभी ढंग से देखा भी नहीं, मैंने उसे कभी नोटिस भी नहीं किया, और मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने तुमसे कभी ऐसी बात कही थी। दरअसल जेक के दिमाग में वही बात घूम रही होती है, इसीलिए लगातार वो इसी बारे में सोच रहा होता है। कुछ दिनों बाद ये दिखाया जाता है कि जेक का भाई जॉय क्लब में एक रिपोर्टर से जेक की जीत के बारे में डिस्कशन कर रहा होता है, और तभी वो देखता है कि वहां पर जेक की वाइफ विकी आती है। वो सेल्वी और उसके लोगों के साथ होती है, क्योंकि विकी सेल्वी की पुरानी दोस्त है और सेल्वी टॉमी के लिए काम करता है।
जेक का भाई जॉय विकी के पास जाता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। विकी वहां से जाना नहीं चाहती क्योंकि वो कुछ भी गलत काम नहीं कर रही, लेकिन जॉय उसे जबरदस्ती वहां से जाने के लिए कहता है। विकी एम्बेरेस होकर वहां से चली जाती है और इसके बाद जॉय के बीच में और सेल्वी के बीच में हाथापाई हो जाती है। इस बारे में जेक को कुछ भी नहीं पता होता क्योंकि इस वक्त वो ट्रेनिंग पर गया होता है। अगले दिन टॉमी जेक के भाई जॉय को और सेल्वी को बुलाता है। वो कहता है कल जो कुछ हुआ हमें उसे भूलना होगा, हम आपस में फाइट नहीं करना चाहते और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हाथ मिलाओ और सबसे बड़ी बात तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए किसी भी तरह की ग्रजिस नहीं होनी चाहिए। ये दोनों हाथ मिलाते हैं और इसके बाद टॉमी सेल्वी को वहां से जाने के लिए कहता है। वो कहता है मुझे जॉय से कुछ जरूरी बात करनी है। टॉमी जॉय से कहता है कि तुम्हारे भाई जेक को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं उसके लिए टाइटल फाइट का अरेंजमेंट कर सकता हूँ, यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो फाइट होती है उसका अरेंजमेंट कर सकता हूँ। जॉय कहता है कि जेक के मन में कुछ प्लान्स है, कुछ टारगेट्स है और वो अपने दम पर इस फाइट को लड़ना चाहता है, जीतना चाहता है, उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। टॉमी कहता है कि मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा भाई कितना बड़ा बॉक्सर है, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, किसी की बात नहीं सुनता और जब तक वो हमसे हाथ नहीं मिलाएगा, वो चाहे कुछ भी कर ले, कितनी फाइट्स क्यों ना जीत जाए, उसकी टाइटल की फाइट कभी नहीं होगी। जॉय ये बात जाकर जेक को बताता है और अब जेक भी समझ जाता है कि जब तक वो टॉमी के साथ हाथ नहीं मिलाएगा वो कभी भी टाइटल फाइट नहीं खेल पाएगा। वो उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और अब जेक की और बिली फॉक्स की फाइट होती है और इस फाइट में जेक को हारना है क्योंकि टॉमी ने दूसरी तरफ से पैसे लगाए, यानी कि ये फाइट पहले से फिक्स होती है और इस फाइट में सब जानते हैं कि जेक बिली फॉक्स को आराम से हरा सकता है, पर जेक उस पर अटैक नहीं करता बल्कि बिली फॉक्स को खुद को मारने का मौका देता है और इस तरह से पॉइंट्स के साथ जेक इस मैच को हार जाता है। सबको पता है कि ये मैच जेक जानबूझकर हारा है, इसीलिए उसके बॉक्सिंग लाइसेंस को कुछ वक्त के लिए रद्द कर दिया जाता है, यानी कि अब जेक बॉक्सिंग मैचेस नहीं खेल सकता। इस बात से उसे बहुत दुख होता है, लेकिन जब उसका लाइसेंस उसे वापस मिलता है तो उसके घर पर टॉमी आता है और टॉमी उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी मिडल वेट चैंपियनशिप यानी कि मिडल वेट वर्ल्ड चैंपियनशिप की फाइट अरेंज की है। इस बात से जेक और उसका भाई बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर टॉमी जेक की वाइफ विकी की बहुत तारीफ करता है क्योंकि वो भी उसे पहले से जानता है और जाने से पहले उसे किस भी करता है। ये देखने के बाद जेक अपनी पत्नी विकी पर और भी ज्यादा शक करना शुरू कर देता है। वो उसे अकेले भी बुलाता है और उस पर हाथ भी उठाता है, हालांकि उसका भाई जॉय ऐसा करने से उसे मना करता है, लेकिन वो उसे कहता है तुम अपना मुंह बंद करो और यहां से चले जाओ। अब वो दिन आता है जिस दिन का इंतजार जेक को और उसके भाई को हमेशा से था, यानी कि आज उसकी मिडल वेट वर्ल्ड चैंपियनशिप की फाइट है और ये फाइट होती है मार्सल सेरडेन के साथ। वो भी एक बहुत अच्छा फाइटर होता है और ये साल होता है सन 1949 का। इन दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट होती है और ये पूरा मैच 15 राउंड्स का होता है, लेकिन 9 मैचेस के बाद ही जेक मार्शल की ऐसी हालत कर देता है कि वो फाइट करने के लिए दोबारा आ ही नहीं पाता, यानी कि वो पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका है। और इस तरह से जेक अपनी जिंदगी के सपने को यानी कि वो मिडल वेट चैंपियनशिप को जीत चुका है और आज वो वर्ल्ड का बेस्ट मिडल वेट बॉक्सर बन चुका है, यानी कि उसके वेट में मिडल वेट में इस दुनिया में उससे बेहतरीन कोई भी बॉक्सर नहीं है। इस बात से उसे और उसके भाई को बहुत खुशी होती है। अब एक साल बीत जाता और एक दिन जब जेक और उसका भाई जॉय घर पर होते हैं तो जेक की वाइफ विकी बाहर से आती है और बाहर से आने के बाद सबसे पहले वो जॉय को किस करती है, इसके बाद वो जेक को भी किस करती है। जेक उससे पूछता है तुम कहाँ गई थी, वो कहती है कि मैं बाहर गई थी, क्या हुआ, और ये कहकर वो ऊपर चली जाती है। उसके जाने के बाद जेक अपने भाई से बोलता है तुम्हें हो क्या गया, तुमने मेरी वाइफ के होठों पर किस किया। जेक का भाई जॉय बोलता है कि वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, क्या मैं उसे हेलो भी नहीं कह सकता। जेक कहता है क्या उसके गाल कम पड़ गए थे। दरअसल जेक के मन में अपनी वाइफ विकी को लेकर हमेशा शक बैठा रहता है, हालांकि उसकी वाइफ ऐसा कुछ भी नहीं करती। और अब जेक उस बात को भी पूछना शुरू कर देता है जब जेक के भाई की और सेल्वी की क्लब में विकी की वजह से लड़ाई हुई थी। जेक को लगता है कि उसके भाई की सेल्वी के साथ लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि विकी के बीच में और सेल्वी के बीच में उस वक्त कुछ चल रहा था। वो अपने भाई से पूछता है कि अब विकी सेल्वी के साथ सोई थी। उसका भाई कहता है मैं तुम्हें कितनी बार सच बता चुका हूं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और सेल्वी एक समझदार इंसान है, वो जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तुम अपने दिमाग की इस गंदगी को अपने पास रखो। जेक कहता है कि कभी मुझे पता चला कि जैसा मैं सोच रहा हूं ऐसा हुआ था तो मैं किसी को मार दूंगा। इस बात पर जॉय को गुस्सा
गुस्सा आ जाता है। वो कहता है ठीक है तुम सेल्वी को मार दो, तुम टॉमी को मार दो, तुम अपनी पत्नी विकी को मार दो और मुझे भी मार दो। अब जैसे जॉय उन लोगों के साथ अपना नाम लेता है जिन पर जेक को शक है, तो उसे अब अपने भाई पर भी शक होना शुरू हो जाता है। वो कहता है क्या तुम कभी मेरी पत्नी के साथ सोए थे? इस बात से उसका भाई पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम पागल हो चुके हो और ऐसे सवाल का मैं कभी जवाब नहीं देता। वो उसे कई बार जवाब पूछने की कोशिश करता है लेकिन जॉय इस बात का जवाब देने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसके लिए ये एक वाहियात सवाल है, और वो वहां से चला जाता है। और इसके बाद जेक गुस्से से ऊपर अपनी वाइफ के पास जाता है और वो उसे कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम क्यों उन सब लोगों के साथ सोई, और वो उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। और जब वो उसे ज्यादा परेशान करता है तो विकी गुस्से में बोल देती कि हाँ मैं सेल्वी के साथ, टॉमी के साथ, तुम्हारे भाई के साथ, सबके साथ सो चुकी हूँ। अपने भाई का नाम सुनने के बाद उसे गुस्सा आ जाता है। वो अपने भाई के घर पर जाता है और अपने भाई को बहुत बुरी तरह से मारता है। हालांकि विकी ने गुस्से में ये झूठ बोल दिया था लेकिन जेक के दिमाग में जो शक होता है वो शक इतना स्ट्रांग होता है कि बस वो किसी भी तरह से इस बात पर यकीन करना चाहता है कि वो जो सोच रहा है वो सही सोच रहा है। और इसी के चलते वो अपने भाई से, जिस भाई ने जिंदगी भर उसका साथ दिया, उस भाई को वो उसकी पत्नी और उसके बच्चों के सामने तब तक मारता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। इसके बाद वो घर आता है। विकी अब घर छोड़ के जा रही होती है लेकिन वो उससे माफी मांगता है, वो उसे रोक लेता है। इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है लेकिन दोनों भाइयों के बीच में अब बहुत दूरी आ चुकी है। ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। जेक अपनी मिडलवेट चैंपियनशिप को अगले साल यानी 1950 में एक बॉक्सर को हराकर बचा लेता है लेकिन 1952 में उसकी बॉक्सिंग उसी बॉक्सर से होती है जिससे वो 5 बार पहले भी लड़ चुका है, और इस बॉक्सर का नाम होता है शुगर रे रॉबिन्सन। इन दोनों के बीच में एक भयानक मुकाबला होता है और ये मुकाबला होता है 14 फरवरी 1951 को, यानी वैलेंटाइंस डे के दिन। इन दोनों के मैच में ये दिखाया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे पर पंचेस की बौछार कर देते हैं लेकिन 10वें राउंड के बाद रॉबिन्सन जेक के ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है, और 13वें राउंड में जब जेक बुरी तरह से थक जाता है तो वो रस्सियां पकड़ लेता है क्योंकि वो गिरना नहीं चाहता, और इसके बाद रॉबिन्सन उस पर लगातार कई पंचेस मारता है जिससे जेक की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। लेकिन जेक किसी भी तरह से रोप को, रस्सियों को छोड़ना नहीं चाहता, और रेफरी आकर ये घोषणा कर देता है कि इस मैच को रे रॉबिन्सन ने जीत लिया है क्योंकि जेक की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है। और वो उसी हालत में रॉबिन्सन के पास जाता है और उसे कहता है यू नेवर गॉट मी डाउन, यानी कि तुमने मुझे कभी भी नीचे नहीं गिराया। इन दोनों के बीच में 6 मैचेस हो चुके होते हैं जहां पर जेक उसे कई बार नीचे गिरा चुका होता है, वही रॉबिन्सन ने उसे आज तक कभी भी नीचे नहीं गिराया। हालांकि अब वो मिडल वेट चैंपियन बन चुका है और ये खिताब जेक के हाथ से जा चुका है। इसके बाद जेक बॉक्सिंग करियर को हमेशा के लिए अलविदा कह देता है और वो अपने परिवार के साथ मियामी शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर वो एक क्लब खरीद लेता है और अब वो क्लब के बिजनेस में है, लेकिन वो रात रात भर वहीं रहता है, वो घर नहीं आता, और इसीलिए उसकी पत्नी विकी ये फैसला करती है कि अब वो उससे डाइवोर्स ले लेगी। हालांकि वो उसके रिटायरमेंट के बाद ही ऐसा करना चाहती थी लेकिन अब वो जेक को अपना फैसला सुना देती है और वो कहती है कि बच्चों की कस्टडी मेरे पास रहेगी और अगर तुमने मेरे आसपास भी आने की कोशिश की तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। और इसके बाद वो वहां से चली जाती है। कुछ ही दिन बाद जेक के पास पुलिस आती है और उस पर आरोप लगाया जाता है कि वो अपने क्लब में नाबालिग लड़कियों को अपने कस्टमर्स को सप्लाई करता है। पुलिस वाले उसे उन लड़कियों की फोटोज भी दिखाते हैं जो उसने अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड की थी, और पुलिस वाले कहते हैं कि इनकी उम्र मात्र 14 साल है। जेक इस मामले को यहीं रफा दफा करना चाहता है जिसके लिए उसे $10,000 की जरूरत है, और जो मिडल वेट वर्ल्ड चैंपियनशिप की बेल्ट उसने जीती थी वो घर जाकर उस बेल्ट से जूल्स निकाल लेता है और उसे बेचने के लिए जाता है। जिस आदमी को बेचने के लिए जाता है वो कहता है कि अगर तुम इसे बेल्ट के साथ लेकर आते तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे सकता था लेकिन अब मैं तुम्हें $1,500 से ज्यादा नहीं दे सकता, और जेक को कम से कम $10,000 की जरूरत है। वो पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर पाता और उसे जेल हो जाती है। उसे काल कोठरी में रखा जाता है जहां पर वो बिल्कुल अकेला होता है।
और ये जैक की जिंदगी का सबसे बुरा वक्त होता है। उसकी पत्नी उसके बच्चे उसे छोड़कर जा चुके हैं। उसका बॉक्सिंग करियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसके पास कोई दोस्त नहीं, उसका भाई भी उससे अब बातें नहीं करता और अब उसे जेल भी हो चुकी है। उस पर नाबालिग लड़कियों को सप्लाई करने का आरोप है और इस बात से वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो दीवार पर घूंसे मारता है, दीवार पर सर मारता है। वो कहते हैं ये मुझे एनिमल कहते हैं लेकिन मैं जानवर नहीं हूं, मैं इंसान हूं। जेक को वहां पर एक साल बिताना पड़ता है और एक साल बाद जब वो जेल से छूट जाता है तो न्यूयॉर्क वापस आ जाता है और यहाँ पर वो एक क्लब में जॉब करना शुरू कर देता है जहाँ पर वो एंकरिंग करता है, लोगों को किस्से कहानियां सुनाकर हंसाता है। और एक दिन जेक को अपना भाई जॉय दिखता है जो कि एक लिकर शॉप से बाहर निकल रहा होता है। जेक उसके पीछे पीछे जाता है, उसको कई आवाजें लगाता है लेकिन उसका भाई पीछे मुड़कर नहीं दिखता। और जब वो अपनी कार में बैठने वाला होता है जेक उसके पास जाता है, उसे गले लगाता है, उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो। वो उसे किस भी करता है पर जेक ने जो उसके साथ किया है उस गलती के लिए उसे माफ करना बहुत मुश्किल है। हालांकि जेक की आंखों में पश्चाताप होता है, वो जानता है कि उससे गलती हुई है लेकिन जॉय चाहकर भी उसे माफ नहीं कर पा रहा होता। जेक उसे कहता है कि हम एक परिवार हैं, तुम मुझे कॉल करोगे ना? जॉय कहता है कि हाँ मैं तुम्हें कॉल करूंगा। दरअसल वो अपने भाई को माफ तो कर देता है लेकिन वो उसके साथ रिश्ते पहले जैसे नॉर्मल नहीं कर सकता। और अब कहानी वापस उसी जगह पर आ जाती है 1964 में जहाँ पर जेक ये सब सोच रहा होता है। और अब एक बार फिर से जेक अपने डायलॉग्स को प्रैक्टिस करना, रिहर्सल करना शुरू कर देता है। वो मार्लन ब्रांडो की एक फिल्म ऑन द वाटर फ्रंट का एक सीन रिहर्सल कर रहा होता है जो उसे बाहर जाकर लोगों के आगे परफॉर्म करना है, उन्हें एंटरटेन करना है। और बाहर जाने से पहले वो बॉक्सिंग के कुछ मूव्स करता है क्योंकि वो कहीं भी चला जाए उसकी आत्मा से, उसके खून से कभी भी बॉक्सिंग नहीं निकल सकती क्योंकि उसने पूरी जिंदगी यही किया, उसने इसी चीज से प्यार किया। दरअसल ये एक फिल्म नहीं बल्कि ये जेक लमोटा की जिंदगी की पूरी कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि किस तरह से इंसान का गुस्सा और उसका शक न केवल उसका बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोगों का भी पूरा जीवन बर्बाद कर देती है। गुस्से और शक की वजह से जेक ने अपना सब कुछ खो दिया। उसने अपने भाई को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो उसके वेलविशर थे, सबको खो दिया। जिस तरह से जेक एक बेहतरीन बॉक्सर था, वो वर्ल्ड चैंपियन था, उसे जिंदगी की सारी खुशियां मिलनी चाहिए थी लेकिन अपने बिहेवियर, अपने शक, अपने एग्रेशन की वजह से उसे जिंदगी में दुख और नफरत के अलावा कुछ भी नहीं मिला। जेक लमोटा का जन्म 10 जुलाई सन 1922 को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन शहर में हुआ। जेक लमोटा का निकनेम द रेजिंग बुल और द ब्रॉक्स बुल था, इसीलिए इस फिल्म का नाम उनके निकनेम के ऊपर रखा गया। उनका एक शानदार करियर रहा। उन्होंने अपने पूरे करियर में 106 फाइट्स खेली जिसमें से 83 उन्होंने जीती। 30 फाइट्स में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को नॉकआउट किया। 19 फाइट्स में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 4 फाइट्स उनकी ड्रॉ रही। और जिस तरह से एक दीपक जलता है एक दिन उसे बुझना भी होता है। 19 सितंबर सन 2017 को 95 साल की उम्र में वो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। तो ये थी पूरी कहानी रेजिंग बुल की। इस फिल्म को एक मास्टरपीस माना जाता है और ऑस्कर में इसे 8 अलग अलग कैटेगरीज में नॉमिनेट भी किया गया था जिसमें से 4 कैटेगरीज में इस पिक्चर ने ऑस्कर जीता। और ये कैटेगरीज थी बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एडिटिंग। और रॉबर्ट डिनेरियो को इस पिक्चर के लिए ऑस्कर का बेस्ट एक्टर अवार्ड भी दिया गया। इस फिल्म का बजट था $18 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $24 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।